नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि आज इस भर्ती की हम बात करने वाले हैं वो है रेलवे में निकलने वाली 15,253 पदों पर भर्ती। तो दोस्तों बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, इस पूरी भर्ती की मैं आपको सूचना देने वाला हूं, जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो को देखिएगा ताकि आपके जो भी सवाल और डाउट्स है सारे क्लियर हो जाएंगे कि ये जो भर्ती निकल कर आ रही है किन पोस्ट के लिए है और इनमें क्वालिफिकेशन क्या होगी और कब तक ये वैकेंसी निकल कर आ जाएगी। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखिएगा और आपके जो भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स पर टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और आपसे हमेशा शिकायत रहती है कि आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी खासी भर्तियों की खबर लेकर आ सकें। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबा करके, और पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन दिखेगा इसको भी आप दबा दीजिएगा ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और प्लीज दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अगर आपने वीडियो देख रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे फेसबुक में और व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इसकी जानकारी मिल सके। होगी 15,000 से ज्यादा नियुक्तियां, अमर उजाला न्यूज़पेपर में न्यूज प्रकाशित हुई है। 17 जुलाई को ये न्यूज आई थी। जी हाँ दोस्तों, इसकी मैं आपको अपडेट दे रहा हूं। जीएम एनसीआर ने बोर्ड को भेजा प्रस्ताव। जनरल मैनेजर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे बोर्ड रेलवे द्वारा बोर्ड को भेज दिया गया है प्रस्ताव, यूनियन पदाधिकारियों को दी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, खबर है उत्तर मध्य रेलवे लंबे समय से रिक्त चल रहे विभिन्न पदों के विभिन्न श्रेणी के पदों पर नियुक्ति करने का प्रस्ताव जीएम एनसीआर ने रेलवे भर्ती बोर्ड इलाहाबाद को भेजा है। एनसीआर की ओर से आरआरबी को 15,253 रिक्त पदों का विवरण भेजा गया है। बताया जा रहा है कि अगले वर्ष भर्ती इन रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे जाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट है। और दोस्तों ये जो भर्ती है ये अगले साल 2019 में आपको देखने को मिलेगी और आप तभी इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। और यहां पर मैं आपको बता देता हूं, इसमें साफ साफ बताया गया है कि ये जो वैकेंसीज है ये टिकट कलेक्टर और जो एनटीपीसी की जो वैकेंसीज है उनको लेकर के ये वैकेंसी आने वाली है और ये जल्द ही आपको इसका नोटिफिकेशन अधिसूचना भी देखने को मिल जाएगी। जैसे कोई अपडेट आएगी हम आपको अपडेट भी दे देंगे। तो दोस्तों जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो के नीचे लाल बटन को दबा करके, और दोस्तों इस न्यूज का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप पूरी इस इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें साफ साफ बता दिया गया है कि ये जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने वाला है रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा। जी हां दोस्तों, तो जल्द ही आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, दोस्तों में व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर करें ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी इस भर्ती की जानकारी ले पाए और आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।